गुड मॉर्निंग सुबह बखैर टी टाइम में आपको खुश आमद कहेंगे मुझे कहते हैं माह शेख यकीन दुआ के साथ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे खैर वाफियत से होंगे और ये क्लन हर दिन की तरह आज के दिन का आगाज़ आपका बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत सा हुआ होगा वेल well, जी बहुत सारी बातें हमारे पास करने के लिए और हम बहुत आपसे आज बातें करना चाहते थे लेकिन हम क्या करें टाइम हमारे पास कम होता और है और बातें बहुत ज़्यादा होती हैं खैर संडे का दिन है उम्मीद यही है कि आपकी आंखें खुल चुकी होंगी नहीं खुली तो देखें बाहर मौसम बहुत प्यारा इस्लामाबाद का स्पेशली मौसम बहुत खूबसूरत है आज और वो जो एक ह्यूमिडिटी का आलम हम देख रहे थे पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी थी हब्स था वह बहुत ज़्यादा कम हो गया शुक्र है थोड़ा रिलीफ मिला है और गर्मी जो है वो कम होती जा रही है आई विश किसी तरह से कम रहे अच्छा जी हम आपके तारुफ कराते हैं आज हमारे आप बहुत सारे लोगों से आज, आज आपको हमने करानी थी मुलाकात और आज मैं मैं आपको पिछले काफी अर्से से कह रही हूँ कि हम यूथ को फोकस कर रहे हैं बेसिकली कि यूथ क्या कर रही है और यूथ क्या करना चाहती है यूथ के पास क्या है करने के लिए क्या डिफरेंट चीजें जो है वो यूथ लेकर आ रही है अच्छा मैं एक बात नोट कर रही हूँ कि हम पिछले कुछ अर्से से देख रहे हैं कि वो जो एक ट्रेंड चल गया, चल रहा था कि इंजीनियर है तो एक इंजीनियर की लॉट आ रही है फिर आईटी किसी ने कर लिया तो वो पूरी की पूरी एक्सपेल आईटी का चल रहा है फिर इसी तरह से मैथ्स मीडिया का भी एक्सपेल चला है जी बहुत सारे लोग मैथ्स कम्युनिकेशन और मैथ्स मीडिया में आए हैं तो ये जो चीज़ें थी ये कहीं से एकदम से बहुत कम हो गए और डिफरेंट चीज़ों में लोगों ने आना शुरू कर दिया और बिजनेस की तरफ बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं बनस्प के जॉब्स के क्योंकि जॉब्स अब वो वाली जॉब की सिचुएशन नहीं है जॉब नहीं मिल रही तो लोगों ने अपने अपने बिजनेस करना शुरू कर दिया और उसके बाद एक और दौर जो आया वो है डिजिटल मीडिया का डिजिटल मीडिया आया एकदम और आके छा गया हर एक के पास कुछ ना कुछ करने के लिए आज ये सारी बातें हमने डिस्कस करनी है हमारे पास हैं सबसे पहले एक बहुत खूबसूरत लेडी सिबा मिर्जा माइंड ना कर लड़की है खूबसूरत सी तो लड़की ही करती है आपको कैसी है बहुत शुक्रिया आप जो है वो होस्ट करती है और होस्टिंग करती हैं बेसिकली ये होस्ट हैं और कौन सा प्रोग्राम करती हैं ये हम आप इसको इन्हीं से पूछ के बताएंगे इनके साथ है अमार अल्ताफ़ असल वेलकम बहुत शुक्रिया आप तशरीफ साहब अमार जो है वो एडवोकेट हैं पहले हम आते हैं सिबा की तरफ से बाह बा, होस्टिंग स्टार्ट कर की आपने होस्ट करती हैं प्रोग्राम और आपके कुछ प्रोग्राम जैसे मैंने कहा कि एक डिजिटल मीडिया का दौर है उसके हवाले से भी हमने बात करनी आपसे तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कैसे स्टार्ट की होस्टिंग अचानक से आ गई या एक ऑडिशन देना पड़ा क्लियर नहीं हुआ दोबारा दिया या पहले ही ऑडिशन नहीं ये जब क्लियर नहीं हुआ ना ये डिबेट के उसमें हुआ था कि जब मैं डिबेटर थी और स्पीकर थी तब तो हुआ कि रिजेक्शन हुई फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह के सक्सेस भी मिली लेकिन जो होस्टिंग का था ये शायद मुझे अल्लाह ताला की तरफ से इतना करम था कि पहली दफ़ा कॉलेज में करते थे फिर कॉलेज के बाद पाकिस्तान टेलीविजन पे ऑडिशन एक ही दफ़ा दिया तो वहीं पर सिलेक्ट हो गई थी तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन पे की अभी फिलहाल एक निजी टीवी चैनल है वेब चैनल है उस पे कर रही हूँ तो बस ये सफर शुरू किया है और अब देखते हैं और साथ साथ है। चल उसके हवाले से बात करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक एक दफा से फिर खुश आमदेद कहेंगे आपको टी टाइम में अच्छा हमारे घर में रोज एक इशू होता है आज क्या बनेगा आज क्या बनेगा हर घर का इशू होता है जी आज क्या पकेगा और इसी मसाइल के साथ जो हम अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं लेकिन अच्छा एक चीज आपने और नोट की होगी कि कुछ घर के लोग होते हैं जो कहते हैं हमने सब्जियां खानी है कुछ कह रहे हैं गोश्त खाने हैं कुछ कह रहे हैं दालें खाने हैं और ये सब सारी चीजें जो है वो चल रही होती हैं तो हमने एक रेसिपी जो है वो देखनी है और रेसिपी पे क्या चल रहा है आज की जो रेसिपी थी वो क्रिस्पी रेसिपी टाइप कोई चीज थी तो हम रेसिपी आपको दिखाएंगे और उसके साथ हमने सॉन्ग भी चलाना है तो हाँ ओके जी बिल्कुल ठीक है आ, इन सब चीज़ों के साथ साथ हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने गेस्ट के साथ हमारे साथ हैं जी अमार अल्ताफ अमार अच्छा ये बताएं जैसे हमने बात इनसे स्टार्ट की थी कि यूथ जो है बेसिकली यूथ यूथ के साथ हम जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें करना चाहती है यूथ जो है वो जॉब के मसाइल बहुत ज्यादा हैं जॉब नहीं मिल रही तो बिज़नेस में हम क्या टची बिजनेस कर सकते हैं जैसे इनके तो हमें एक बात समझ आ गई कि डिजिटल मीडिया आजकल हर कोई डिजिटल मीडिया पे इन हो रहा है क्या यू डिफरेंट कर सकती है कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप परेशान ना हो बल्कि कुछ चीज़ें अर्न करें जी पाकिस्तान के यू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपनी एबिलिटीज और स्किल्स को फ्रूटफुली यूज़ करके पाकिस्तान को और उम्मत मुस्लिमों को आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा मुस्तबिल दे सकती है मेरा नज़रिया ये है कि पाकिस्तान में जो आईटी के नौजवान हैं जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के नौजवान हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नौजवान हैं या इवन दो जो ए, मेरे प्रोफेशन वकालत के साथ एसोसिएटेड हैं वो नौजवान आईटी के नौजवान एक सर्च इंजन बनाएं, जिस तरह गूगल है जिस तरह यूट्यूब है पाकिस्तान और हमारे जो इस्लामिक स्टेट्स हैं इनका एक अपना सर्च इंजन हो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और वो एक टची बिजनेस है अगर आप देखें आज पाकिस्तान का नौ नौजवान यूट्यूब पे अपनी स्किल्स एक किस्म की सेल आउट कर रहा होता है वो वीडियो वीडियोग्राफी कर रहा होता है वो अपनी गेमिंग की वीडियोस डाल रहा होता है वो अपने स्किल्स को वहाँ पे यूज़ कर रहा होता है इससे उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा होता है और पाकिस्तान में बैठे हुए नौजवान को जो अपनी स्किल्स और अपनी एबिलिटी पर कुछ कर रहा होता है उसको प्रॉफिट कम होता है अगर ये चीज़ें पाकिस्तान का नौजवान खुद से डिवेलप करना स्टार्ट कर दे अब जिस तरह आ, हम आ, वकालत के शोबे में वकालत के शोबे में मैं, मैं समझता हूँ और जो हमारी ज़िंदगी का मकसद है मतलब आ, इतनी यंग एज में इस प्रोफेशन को जॉइन करना और विदाउट लूजिंग एनी टाइम थ्रू आउट एजुकेशनल कैरियर और इन प्रोफेशनल लाइफ स्टेपिंग इन आफ्टर प्रोफेशनल लाइफ तो मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ का भी यही मकसद है कि हमने अपने मुल्क में जो है एजुकेशनल एजुकेशनल रिफॉर्म्स के साथ जु, जुडिशल रिफॉर्म्स भी लेके आनी है क्योंकि मैं ये बात इसलिए करता हूँ कि अगर आप देखें तो उमत मुस्लिमों को देख लें या कमिंग पाकिस्तान को देख लें तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स फेस किए जा रहे हैं हमारी कम्युनिटी को या हमारी सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो वेल्थ नहीं है वो पॉवर्टी नहीं है वो सिर्फ़ एक जस्टिस सिस्टम है और एक एजुकेशनल सिस्टम है अगर हमारा एजुकेशनल सिस्टम इसमें रिफ़ॉर्म्स लाई जाएँ इसको बेहतरी की तरफ़ लाया जाए और हमारे जुडिशल सिस्टम को और हमारे एडवोकेसी के सिस्टम को इसमें रिफ़ॉर्म्स लाई जाएँ तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक किस्म का पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छा माहौल बना देगा आपको याद होगा कि दूसरी जंग अजीम में चर्चिल विंस्टन ने अपने एक मिनिस्टर को अपनी कैबिनेट मेंबर को कहा कि जाओ जाके देखो अदालतों का क्या हाल है कोर्ट्स में क्या चल रहा है तो वापस आया तो उसने आके बताया कि मिस्टर चर्चिल अदालतों में इंसाफ फ्राहम किया जा रहा है जस्टिस इज बीन प्रोवाइडेड टू द पीपल ऑन देयर डोर स्टेप दैट वॉज द फोर मोस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट थी डोर स्टेप पर जस्टिस मिल रही है तो उसने एक तंजिया मुस्कराहट देते हुए कहा कि सल्तनत स्मानिया के साथ वो सारा मामला था तो उसने तंजिया मुस्कराहट दी और एक तारीखी जुमला का उसने कहा नो नो बडी ऑन अर्थ कैन डिफीट मी इन दिस वॉर मतलब आप देखें कि जहाँ पे अदल और इंसाफ होता है जिन माशरों में ये चीज़ें होती हैं वहाँ पर जो है पसपाई नहीं होती वहाँ पर शिकस्त नहीं होती वहाँ पे एक रब की देन भी आपके साथ आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का नौजवान उसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं जैसे अभी मेरी बहन है हॉस्ट होस्टिंग कर रही है असद भाई हैं आपको पता है कि वो राइटर। यंग राइटर हैं पाकिस्तान के इन वेरी अर्ली एज उन्होंने फाइव बुक्स लिखी तो मतलब ये स्किल्स हैं जिनको पाकिस्तान की कम्युनिटी को सपोर्ट करना है हमें अपने स्किल्स को पॉलिश करना है और गवर्नमेंट के ऊपर भी रियासत के ऊपर भी एक जिम्मेदारी बनती है बहसीत माँ जो मैं समझता हूँ कि वो इन नौजवानों को सपोर्ट करे वो जब इन नौजवानों को सपोर्ट करेगी तो इन इंटरनेशनल लेवल्स पे एक फ्रूटफुल जो है हमें वो देखने को मिलेगा इस सब का समर इस सब का रिज़ल्ट एक फ्रूटफुल तरीके से हमें मिलेगा सही सही अच्छा सिबा ये बताएं कि हमने आपके कुछ प्रोग्राम्स देखे हैं बहुत एक डिफरेंट नेचर के प्रोग्राम हैं प्रोग्राम का डिज़ाइन कैसे किया था एक्चुअली आजकल हमारे यहाँ एक ट्रेंड चला हुआ है कि हम लोग वो कहते हैं ना कि हम लोग मजाक को मजाक में फ़र्क नहीं रहा हम लोग मजाक बहुत पीक पे करते हैं जो वाहियात बन जिसे कहते हैं हमारे यहाँ जो यंगस्टर्स है ख़ासकर यंग जनरेशन है उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा आती है हमें ये चाहिए कि हमारे प्रोग्राम्स ऐसे हों कि हम फैमिली के साथ बैठ के देख सकें आपका प्रोग्राम है हम सब बैठ कर फैमिली के साथ देख सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ सबक होता है कुछ मज़ा होता है कुछ मतलब कि आपस में संजीदगी भी होती है और हम एक इंटरटेनमेंट और इन्फरटेनमेंट मतलब कि दोनों चीज़ों को मिक्स करके हम ऑडियन नाजरीन को पेश कर रहे होते हैं लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा चीज़ वायरल या ट्रेंडिंग पे वो चीज़ जाती है जिसमें कुछ ऐसा हो या तो किसी की हम लोग तस्दील कर रहे होते हैं या किसी का मजाक उड़ा रहे हाँ, होते उसकी हैं रीज़न क्या है क्या हमारे माइंड सेट इस तरह के हो चुके हैं माइंड सेट इस तरह हो चुके हैं और मैं एक बात कहूँगी सॉरी टू से कि मैंने कहीं पढ़ा कि हम लोग तमाशा परस्त कौम बन गए हैं हमें डेली एक ड्रामा चाहिए वो चाहे किसी की ज़ात पे हो चाहे किसी के पर्सनल हो या कहीं भी प्रोफेशनली हो लेकिन हम लोगों को ये चाहिए कि कोई अच्छी चीज़ है हम उसको आगे लेकर आए कोई मेहनत कर रहा है कोई मतलब कि हमारे यहाँ बहुत से अच्छे काम कर रहे हैं हम उसको प्रमोट करने की बजाय किसी किसी ने भी कोई एक छोटी सी बात किसी की स्लिप हो गई जबान से हम उस चीज़ को वायरल कर देते हैं और फिर हमारे माइंड सेट ऐसे हो गए हैं कि हम लोग कहते हैं कि नहीं हमें यही चीज़ देखनी है हम कोई अच्छा प्रोग्राम हम कोई ऐसी चीज़ नहीं देखते जिससे हमें फ़ायदा हो और दूसरी चीज हम में ये है कि हम लोग सिर्फ रटते हैं किताबें लेके हम सिर्फ रटते हैं हम तालीम याफ्ता तो हो रहे हैं पर तरबियत याफ्ता नहीं हो रहे जो पहले लोग थे वो तरबियत याफ्ता थे तालीम याफ्ता भले ना हो लेकिन तरबियत याफ्तः बहुत खूबसूरत बात की आपने कि तालीम के साथ तरबियत बहुत जरूरी बहुत है बहुत ज्यादा और तरबियत अच्छा आपने एक बात नोट की होगी कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो एजुकेटेड नहीं होते हार्डली कोई पाँच छः क्लासे पढ़े हुए होते हैं लेकिन तरबियत में वो इतने अच्छे होते हैं कि मास्टर्स लेवल के लोगों से भी ज्यादा उनकी आप, उनके बारे में कहते हैं कि ये तरबियत में बहुत अच्छे हैं इनकी तो, रूट्स बहुत अच्छी है, बिल्कुल बहुत ऐस... अच्छी बात की आप बिल्कुल ऐसे ही और तरबियत याफ़्ता होना बहुत ज्यादा ज़रूरी है हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है हमारे यहाँ गैप जो था ना एक टीचर्स का स्टूडेंट का माँ बाप का और बच्चे का वो गैप खत्म हो गया अब हम लोग लाड प्यार की जगह हम उसको ना बहुत कहते हैं कि बस ठीक है आप उसको सारा दे देते हैं कि आपके ऊपर है आप जो करो हम वापस उसे पूछते नहीं हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो दूसरा मेरे ख्याल से हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको मैं ये कहूँगी कि हमारे पास टैलेंट बहुत है हम सोचते नहीं हैं हम अपनी चीज़ें क्रिएट करें हम खुद को बनाएं पंखा क्यों चल रहा है पंखा ऐसे चल रहा है तो क्यों इसके इसके और और भी तरीके हैं हम जनरेट करें इन चीज़ों को हम सोचें कि यार हम भी ये चीज़ बना सकते हैं हमारी तमाम चीज़ें बाहर से आती हैं ये जैसे भी है हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ होनी चाहिए कि हमारी नौजवान नस्ल खुद बनाना शुरू करे अभी एक दो चीज़ें हैं इलेक्ट्रिकल बाइक वगैरह या इस तरह बनाई है हमारी इंजीनियर्स ने तो ये चीज़ें तो ये चीज़ें होनी चाहिए और दूसरा ये कि टाइम ना ज़ाया करें हम बहुत टाइम ज़ाया करते हैं पार्टीज़ हो गई कॉन्सर्ट्स हो गए यहाँ पर ठीक है इंजॉयमेंट होती है लेकिन आप अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मत डालें आप दोनों चीज़ों को मिक्स करके अपना टाइम ज़ाया करते हैं फिर पच्चीस साल के बाद आपको अपनी जिम्मेदारियाँ याद आती हैं ज़िम्मेदारियाँ याद आके आप पूरी उम्र मेहनत करते हो लेकिन उस तरह आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते जैसे आपको करनी चाहिए थी तो मेरा ये ख्याल है कि हम लोगों की नौजवान नस्ल को पच्चीस साल से पहले पहले इतनी मेहनत और स्ट्रगल कर लो कि आप पूरी जिंदगी आराम से बैठ के खा सको तो ये चीज है और वैसे भी जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी तो इस हाँ लेकिन एक पॉइंट है मेरे इसमें पच्चीस साल से पहले मतलब आपकी स्टडीज कब कंप्लीट होंगी और <laughs> <यार> आप <laughs> कब <कप> जाएंगे काम <laughs> करने <laughs> थोड़ी उम्र का लेवल है वो बढ़ा दें हम ये कह सकते हैं भाई आप जब थर्टी फाइव ईयर्स में आएंगे तो आप इस काबिल हो जाए कि हाँ। आपको पता हो कि आपकी लाइन क्या, क्या, क्या है कर लिया हाँ। आपकी मंजिल क्या है क्या हाँ। आपने अपनी ग्रिफ्ट बिठा ली है थर्टी हाँ। फाइव तक ले अच्छा। जाते हैं कि 35 <laughs> अगर आप इक्कीस आप साल में तो आपकी स्टडीज कम्पलीट हो रही है ठीक है ना इक्कीस बाईस में ही हो रही है उसमें एक दो साल आपको इंटर्नशिप मार देती है क्या आपके पास इंटर्नशिप होगी देन हाँ। आप कोई जॉब कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं हाँ। है? ये है? भी बहुत फिर इंटर्नशिप के बाद आपके पास एक्सपीरियंस आएगा एक हाँ। साल दो साल का तब जाके आप जॉब स्टार्ट करेंगे हाँ। और 25 साल की उम्र में हम वो जो एक पीक देखना चाह रहे हैं शायद हम वहाँ नहीं अच्छा इसमें भी ये आता है की हम लोग ना अक्सर लोग होता है कहते हैं हम बहुत पीक पे चले जाए फिर वो गलत कामों की तरफ चले जाते हैं शोहरत मिल जाए मतलब एक शॉर्टकट पे आप किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं होना आप शॉर्टकट से कभी भी कामयाब नहीं हो सकते वो होती है कि जरा सी सरसरी सी कामयाबी मिलती है उसके बाद आपको लोग नहीं जानते कि आप कौन है, क्या नहीं। तो हैं ना ले क्योंकि आपकी में कुछ नहीं <laughs> 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 मुझे अपने एक टीचर का जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए तो एक टीचर की कोटेशन याद आई वो ये थी देर इज नो देर इज नो वेर इज नो सक्सेस विद के दी थी यह बहुत ज्यादा अच्छी है और शॉर्टकट पे अगर ए, एजुकेशनल लाइफ में या आप प्रोफेशनल लाइफ में आए तो मैं पाकिस्तान के नौजवान को एक ही पैगाम दूंगा देखें हमारा नौजवान भाग रहा है भाग रहा है पीएचडी कर लेता है पीएचडी के बाद क्या करेगा एक लेक्चरशिप करेगा एक किसी प्राइवेट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुत हुआ किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में सिक्स मंथ की उसको वो मिल जाएगी एक पेड प्रोग्राम मिल जाता है या पेड लेक्चरशिप मिल जाती हैं हमारा नौजवान स्किलफुल एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन के पीछे नहीं जाता अगर पाकिस्तान में टेक्निकल एजुकेशन और रिसर्च एजुकेशन इसको एक वसी पैमाने पे फ़रग दिया जाए हकूमत की जानब से भी और हमारी कम्यूनिटी की जानब से भी इसको सपोर्ट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का नौजवान शॉर्टकट से एकदम कामयाब भी हो सकता है अब देखें आप इस चीज को अंदाजा लगा लीजिए कि मार्क जो है ये फेसबुक का जो ओनर है उसने कोई इतना बोरा हो कि तीर नहीं मारा थैंक यू बहुत शुक्रिया आप आए आपका बहुत शुक्रिया की आप आई और बहुत अच्छा लगा हमें आज आप लोगों से गुप्त करके वेल well, uh, आप लोगों को हम फिर किसी प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे आज के लिए हम थोड़ा माजरत चाहते हैं क्योंकि जब लाइव कट्स आ जाते जा जा हैं तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते और वो लाइव कट पे ही रहते हैं और क्योंकि न्यूज़ चैनल है इसलिए हम लाइव कट्स को प्रेफरेंस देते हैं अपना बहुत ख्याल रखें और आपके तीसरे गैस से हम माजरत कर लेते हैं कि हम उनको अकोमोडेट नहीं कर सकें हम नेक्स्ट प्रोग्राम में उनको अकोमोडेट करेंगे वेल जी ये आज का प्रोग्राम उम्मीद यही आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा अपना ख्याल रखें हमें इजाजत दें नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़ एंड हाफी माना